नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसमें आज अपना 30वां मॉडल पेपर है, 30 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, अपने इससे पहले 29 मॉडल कंप्लीट हो चुके हैं, आज अपने को दोस्तों एक महीना पूरा हो गया है 30 मॉडल पेपर अपलोड करते हुए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी भी आराध्या आरएएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और पास में दिए गए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। तो देखो, भारत सरकार द्वारा नवंबर 2016 में चलाए गए 2000 के नोट की विशेषता नहीं है, तो ये बताना है कि इनमें से कौन सी है वो 2000 के नोट की विशेषता नहीं है। तो देखो, 2000 रुपये का नया नोट गुलाबी रंग का है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, गुलाबी रंग का है। नेक्स्ट है, नोट के पीछे की तरफ मंगलयान की फ़ोटो है तथा 15 अलग अलग भाषाओं में 2000 रुपये लिखा है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, गांधी जी के चश्मे के साथ नोट में स्वच्छ भारत लिखा है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है, उपयुक्त सभी कथन सही है। तो दोस्तों इसका नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सारे कथन है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट है नंबर 2nd प्रश्न, इसमें देखो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं वो कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटोनियो गुतेरेस, एंटोनियो गुतेरेस ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं और इन्होंने बान की मून है उनका स्थान लिया था इन्होंने, और ये 2021 तक पद पे रहेंगे। नेक्स्ट है नंबर 3 प्रश्न, निम्न में से किसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल किया गया है, तो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है 1 दिसंबर 2016 को, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है योग को शामिल किया गया है, नंबर 1 ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जयपुर में अन्नपूर्णा रसोई योजना का शुभारंभ किया, तो कब किया था जयपुर में अन्नपूर्णा रसोई योजना का शुभारंभ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 15 दिसंबर 2016 को, कब किया था 15 दिसंबर 2016 को। नेक्स्ट है, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में वॉशिंगटन डीसी में शपथ ली थी, तो कब ली थी शपथ अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, 45वें राष्ट्रपति हैं दोस्तों ये, तो इन्होंने शपथ कब ली थी 20 जनवरी 2017 को, नंबर 1 ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 6 प्रश्न, हाल ही में हुए 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो भारत ने 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 के अंदर टोटल दोस्तों 66 पदक जीते थे। नेक्स्ट है, इसके बाद में देखो, 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन किस स्थान पर किया गया, तो किस स्थान पर किया गया, तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में किया गया था दोस्तों इसका आयोजन। नेक्स्ट है नंबर 8 प्रश्न, तो इसमें देखो, यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में दिसंबर 2017 में किस मेले को शामिल किया गया है, तो देखो यूनेस्को की जो सांस्कृतिक धरोहर की सूची में दिसंबर 2017 में किस मेले को शामिल किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कुंभ मेला, नंबर 1 ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 9 प्रश्न, तो देखो, विमेंस टेनिस एसोसिएशन जिसको बोलते हैं दोस्तों WTA की वर्ष 2017 की अंतिम स्पर्धा WTA फाइनल्स का आयोजन स्थल था, तो इसका फाइनल का आयोजन का स्थल वो कौन सा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलांग सिंगापुर में, कलांग जो सिंगापुर में है ये दोस्तों यहाँ पर फाइनल्स हुआ था, नंबर 1 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा मार्च 2018 में जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 78वां स्थान रहा है दोस्तों, नंबर एक ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अष्टाध्यायी का लेखक था तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे, तो पाणिनि थे दोस्तों, नंबर तीन ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं गांधार, नंबर तीन ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 13 प्रश्न, तो देखो खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई, तो दोस्तों किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मालदेव की सहायता से, मालदेव की नेतृत्व में सेना भेजी गई थी। देखो दोस्तों इसमें इस प्रश्न का देखो किसके नेतृत्व में सेना भेजी गई थी, तो दोस्तों इसमें देखो सेना के साथ तो गया था मालदेव, सेना के साथ गया था मालदेव, और भेजा किसने था, राव गंगा ने, राव गंगा खुद नहीं गया था दोस्तों, मालदेव को भेजा था, तो इसके किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई, तो दोस्तों इसमें राव गंगा आएगा, ठीक है ना, राव गंगा के नेतृत्व में भेजी गई थी मालदेव के साथ में सेना, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अकबर के काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दहशाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी, तो आइन ए दहशाला पद्धति है वो किसके द्वारा निर्मित की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोडरमल, नंबर एक ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 15 प्रश्न, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन है वो कश्मीर में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क के टाइम में, नंबर ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 16 प्रश्न, तो इसमें देखो गुप्त काल में गुजरात बंगाल दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे, तो दोस्तों किससे संबंधित थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखो इसका राइट आंसर है वस्त्र उत्पादन से, किससे है, वस्त्र उत्पादन से, नंबर एक ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 17 प्रश्न, मौर्य काल में भूमिकर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था, तो किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीता अध्यक्ष द्वारा एकत्रित किया जाता था। नेक्स्ट है नंबर 18 प्रश्न, तो इसमें देखो महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन किस स्थान से प्राप्त किया, सॉरी किस स्थान से प्रारंभ किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंपारण से प्रारंभ किया था, नंबर एक ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 19 नंबर प्रश्न, तो इसमें देखो वर्तमान राजस्थान राज्य का निर्माण कितने चरणों में पूरा हुआ, तो कितने चरणों में पूरा हुआ वर्तमान राजस्थान राज्य का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 चरणों में पूरा हुआ था। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई तो कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1897 में की गई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। नेक्स्ट है नंबर 21 प्रश्न, पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिए जाने वाला जुर्माना था, तो वो जुर्माना था वो कौन सा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, नंबर एक ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है नंबर 22 प्रश्न, तो इसमें देखो निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक की कलिंग विजय और उसके हृदय परिवर्तन तथा उसके द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने की सूचना मिलती है, तो 13वां शिलालेख है दोस्तों ये, नंबर एक ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 23 प्रश्न, तो इसमें देखो 1857 में आवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी, तो किसकी हत्या की गई थी, तो दोस्तों कैप्टन मॉक मेसन की हत्या की गई थी आवा में, ठीक है 1857 के विद्रोह में, ठीक है नंबर दो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ था, तो उसका आयोजन है वो कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 1893, नंबर ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 25 प्रश्न, तो देखो वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था, तो वृहद राजस्थान का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था, तो हीरालाल शास्त्री था दोस्तों, नंबर दो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है तो कितनी मद है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 29 मद, नंबर दो ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है नंबर 27 नंबर प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, तो ये महाभियोग की प्रक्रिया है वो कैसी प्रक्रिया है, तो देखो अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, नंबर चार ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में कौन सर्वोच्च है, तो भारत में सर्वोच्च है वो कौन है, तो संविधान है दोस्तों, नंबर चार ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 29 प्रश्न है, तो देखो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, देखो संवैधानिक प्रावधान और स्रोत हैं, तो इसमें देखो मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका अधिकार पत्र से, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है तो दोस्तों ये लिए हैं आयरिस यानी कि आयरलैंड से लिए गए हैं, मंत्रिमंडलीय सरकार है तो दोस्तों ये लिए गए हैं ब्रिटिश संविधान से, और केंद्र राज्य संबंध है ये कनाडा से लिए गए हैं दोस्तों, कहाँ से, कनाडा से लिए गए हैं केंद्र राज्य संबंध, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4312, 4312 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 30 नंबर प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की पुनरावलोकन शक्ति किससे प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की पुनरावलोकन शक्ति किसे प्राप्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सर्वोच्च न्यायालय को, नंबर दो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थानी में प्रवाह प्रणाली कितने रूप में पाई जाती है, राजस्थान में प्रवाह प्रणाली है वो कितने रूप में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन रूप में, नंबर दो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 32 नंबर प्रश्न, तो इसमें देखो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 66.1 ये दोस्तों राजस्थान की साक्षरता दर है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व है, तो कितना जनसंख्या घनत्व है राजस्थान में, तो 200 व्यक्ति पर किलोमीटर है दोस्तों, नंबर दो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विंध्य कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है, तो दोस्तों विंध्य कगार भूमि है ये चंबल और बनास नदी के मध्य स्थित है, नंबर दो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 35 प्रश्न है राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत ग्रह स्थित है, राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत ग्रह स्थित है, तो दोस्तों ये कौन कौन से हैं, तो देखो छाबड़ा व सूरतगढ़, नंबर दो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है तो इसमें देखो नंबर 36 नंबर प्रश्न में दी गई आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या है, तो त्रिभुजों की कुल संख्या बतानी है दोस्तों, ठीक है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, अपने को त्रिभुज गिनने हैं, तो इसमें जो मैंने आपको पहले कहा था अधिकतर ऑप्शन वही होता है इसका आंसर जिसका ऑप्शन सबसे ज़्यादा हो, तो देखो इसका ऑप्शन सबसे ज़्यादा है 27, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 27, आप गिन के देख लेना। नेक्स्ट है अनुक्रम, देखो 1039 यानी कि 1039, फिर है 2247, फिर है 3455 और फिर है 4663, तो अगला पद बताना है कि अगला पद इसमें क्या आएगा, अगला पद इसमें क्या आएगा, तो देखो बहुत ही सिंपल है ये, तो देखो 1039 में पहला अक्षर क्या है एक, और 2247 में दो, तो देखो एक दो, सॉरी पहला है इसमें पहला अक्षर देखना है सब में, एक दो फिर तीन और फिर चार,
फिर आगे दोस्तों इधर आएगा पाँच, सबसे पहले आएगा पाँच, उसके बाद में देखो इधर दूसरे नंबर का अक्षर देखो तो इसमें जीरो फिर दो, तो जीरो के बाद में क्या है दो, और फिर दो के बाद में इधर तीसरे में इधर चार, तो जीरो दो चार और फिर इधर छः, तो इधर आएगा आठ, इधर आएगा आठ। अब देखो आठ पाँच आठ इसमें भी है, पाँच आठ इसमें भी है। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखो इधर तीन है, फिर इधर दूसरे में देखो चार है, तीसरे तीसरे नंबर का अक्षर देखना है सभी के, तीन चार फिर पाँच फिर छः और फिर सात, तो सात आएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5871, नंबर 37 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नंबर तीन। नेक्स्ट है नंबर 38 प्रश्न, तो देखो इसमें गोट कैट पिग और काऊ, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें देखो नंबर ए ऑप्शन है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन क्यों होगा, क्यों इसमें, इसमें देखो वोवल्स हैं वो देखो तो ए ई आई ओ यू पांच होते हैं और इसमें दो दिए गए हैं इसमें और बाकी में सब में एक एक हैं, ठीक है। तो इसका नंबर एक ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दो विद्यार्थी एक्स और वाई हैं, इसमें देखो नंबर 39 प्रश्न, दो विद्यार्थी एक्स और वाई एक परीक्षा में सम्मिलित हुए, एक्स ने वाई के अंकों से 9 अंक ज़्यादा प्राप्त किए हैं, 9 अंक ज़्यादा प्राप्त किए हैं, एक्स के अंक दोनों विद्यार्थियों के अंकों के जोड़ का 56% है, एक्स तथा वाई द्वारा प्राप्त अंक क्रमशः है, तो वो अंक कौन से हैं ये बताना है। तो दोस्तों इसमें देखो अपने को एक्स लगा के करेंगे तो वैसे गड़बड़ हो जाएगी, तो अपने एक काम करते हैं दोस्तों, इसमें देखो कितने अंक ज़्यादा है y से x के, तो 9 अंक, तो देखो इसमें सब में 9 का गैप दिया हुआ है, देखो इसमें सब में 9 का गैप दिया हुआ है। अब इसमें ये पूछ रहा है कि इन दोनों का जोड़ है उसका जो 56% है वो किसका है, x का, इन दोनों का जो जोड़ है वो उसका जो 56% है वो x का है। तो देखो इसमें पहला ही ऑप्शन ले लेते हैं दोस्तों, तो इसमें 42 और 33 कितने होते हैं, तो दोस्तों 42 और 33 होते हैं 75, कितने होते हैं 75, तो दोस्तों इसमें देखो 42, ठीक है, तो 42 सॉरी अपने को 56% निकालना है, तो 56% है वो 42 आना चाहिए, तो अपन को निकालना है 56/100 इंटू जो इन दोनों का योग कितना था 75, तो देखो 25 से काटे तो ये 4 बार कट गया और ये कितनी बार 3 बार 75 3 बार। अब देखो इसको काटते हैं 4 से 56, तो 4 से 56 काटेंगे तो दोस्तों इसमें 14 आ गए, तो 14 + 28 = 42, तो 42 आ गए दोस्तों। तो इसमें ये वाला देखो बिल्कुल सही उत्तर है इसका, नंबर एक ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 40 प्रश्न, अपनी कक्षा में शालिनी की रैंक ऊपर से 7वीं और नीचे से 27वीं है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो देखो ऊपर से तो कौन सी थी 7वीं, तो ऊपर से तो दोस्तों यहाँ पे 7वीं थी, और नीचे से बात करें तो नीचे से कौन सी थी, तो नीचे से 27वीं थी, तो अब कुल कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो दोस्तों इसमें 27 में 7 जोड़ के एक माइनस कर देना, क्योंकि खुद है वो दोनों तरफ से गिनी जा रही है, तो 27 + 6 करना है, तो 27 + 6 कितने होते हैं 33, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर एक ऑप्शन। नेक्स्ट है यदि Q + R ग्रेटर देन P + S, ठीक है, P + Q एवं P + Q > R + S, तब यह निश्चित है कि यह देखो पूर्ण धनात्मक संख्या है, तो इसमें कौन सी आएगी ये बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है Q > S, नंबर ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है
नंबर 42 प्रश्न, यदि ए बी सी का समांतर माध्य एम बटा तीन हो तो एक बटा ए प्लस एक बटा बी बराबर माइनस सी, तो ए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का समांतर माध्य। तो दोस्तों इसका जो सिंपल सा उत्तर होगा वो हो जाएगा इसमें देखो एम स्क्वायर बटा तीन, नंबर एक ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, इसमें देख लेना दोस्तों ये क्वेश्चन है आप सोल्व कर लेना। नंबर 43 नंबर है, 23 इंटू 5 बराबर 26 तथा 13 इंटू 8 बराबर 19 हो तो 39 इंटू 7 बराबर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर है वो दोस्तों आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट है नंबर 44 प्रश्न, तो इसमें देखो एक ठोस गेंद के पृष्ठ का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेमी है। एक ठोस गेंद के पृष्ठ का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेमी है, गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो गेंद की क्या करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसमें सूत्र लगेगा कौन सा, पाई आर, फोर पाई आर स्क्वायर, फोर पाई आर स्क्वायर ये सूत्र लगेगा दोस्तों इसमें। और फोर पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1386 हो जाएगा दोस्तों, फोर पाई आर स्क्वायर बराबर 1386। अब देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसमें 4 इंटू 22 ये तो लिखना है दोस्तों नीचे, और ऊपर लिखना है 1386 इंटू 7, और दोस्तों इनको काट कर देंगे और ये आर स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों, ये आर स्क्वायर आ जाएगा, तो अपने को इसका आर निकालना पड़ेगा। तो आर निकालेंगे तो अपने पास आ जाएगा 10.5 सेमी, ये दोस्तों निकल के आ जाएगा 10.5 सेमी। नेक्स्ट है समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 8 में यदि y बराबर 2 हो तो x का मान होगा, तो y बराबर 2 हो तो x का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसमें देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसमें अपने पास दिया गया है 2x, ठीक है 2x माइनस 3 और y का मान दे रखा दोस्तों 2, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा और बराबर 8 ये हो जाएगा दोस्तों। 2n माइनस 3 इंटू 2 बराबर 8 ये हो जाएगा दोस्तों, ये सीरीज बन जाएगी। अब इसको आसानी से सोल्व कर लेंगे तो देखो 2n बराबर 8 प्लस 6 तो कितने हो जाएंगे, तो 8 प्लस 6 14 हो गए, और दोस्तों n बराबर की बात करेंगे तो 14 बटे 2 हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 7, नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 16 प्रश्न है, तो देखो इसमें यदि बहुपद एक्स 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स माइनस 5 में अन्य पद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों इसमें भाग देना होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का, किसमें, तो ये वाली संख्या दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है तो इसका भाग देंगे तो अपने पास जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 शेषफल बचेगा दोस्तों अपने पास, कितना 8। नेक्स्ट है तो इसमें देखो एक समांक श्रेणी का बहुलक 20 और माध्य का 23 है तो समांतर माध्य ज्ञात करो। तो दोस्तों इसको समांतर माध्य ज्ञात करेंगे इसका, तो इसका माध्य निकल के आ जाएगा दोस्तों अपने पास वो है 24.5, क्या है 24.5 माध्य होगा दोस्तों इसका। नेक्स्ट है इसमें देखो नंबर 48 में 3/7 इंटू माइनस 2/5 का मान होगा, तो माइनस 2/5 का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल सिंपल सा है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, माइनस के 6 हो जाएंगे और बटा 7×5=35, तो दोस्तों माइनस 6/35 नंबर 2 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 49 प्रश्न, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। तो सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है सतीश ने केले खरीदे, ये दोस्तों सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। नेक्स्ट है नंबर 50 प्रश्न, निम्न में से अशुद्ध वाक्य है, तो अशुद्ध वाक्य है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसका कद मुझसे बड़ा है, उसका कद है वो मुझसे बड़ा है, तो दोस्तों ये है ये अशुद्ध वाक्य है। नंबर 51 प्रश्न है, तो इसमें देखो सुरभि और एक सुरभि है, शब्द में
शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म है। तो दोस्तों एक में छोटी मात्रा लगी हुई है और एक में बड़ी मात्रा। तो छोटी मात्रा का मतलब तो होता है दोस्तों सुरभि का मतलब होता है सुगंध, और जिसमें बड़ी मात्रा है वो सुरभि तो उसका मतलब होता है गाय। तो दोस्तों नंबर एक ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुख्य का विलोम है। तो दोस्तों मुख्य का विलोम है वो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौण। नंबर एक ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 53 प्रश्न है, तो इसमें देखो द कमेटी कंप्राइजेज मैन ऑफ वाइंडली डिफरेंट व्यूज। तो देखो वाइडली डिफरेंट व्यूज, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ये बताना था कि इनमें कौन सा प्रीपोजिशन है वो बिल्कुल सही लगेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफ। द कमेटी कंप्राइजेज ऑफ मैन ऑफ वाइडली डिफरेंट व्यूज, ये हो जाएगा दोस्तों ऑफ लगेगा इसमें। नेक्स्ट है मीका इन राजस्थान। तो दोस्तों इज फाउंड राजस्थान। दोस्तों मीका एक बीमारी है, तो मीका इज फाउंड इन राजस्थान। नेक्स्ट है नंबर 55 प्रश्न, तो इसमें देखो पर्सन वेहर किल्ड इन द एक्सीडेंट। तो दोस्तों इसमें क्या आएगा, तो इसमें आएगा दोस्तों सम पर्सन वेहर किल्ड इन द एक्सीडेंट। नंबर 3 ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हेयरिंग द नॉइस आई वेंट देयर। नंबर 3 ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तृप्त स्थल है। जो जैव विविधता तृप्त स्थल है वो दोस्तों पश्चिमी घाट है। नंबर 2 ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 58 नंबर प्रश्न है हीमोग्लोबिन क्या है। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन है वो मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है हीमोग्लोबिन। नंबर 2 ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है मृग मरीचिका के दिखाई देने का कारण है। तो मृग मरीचिका के दिखाई देने का जो कारण है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नंबर 2 ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 60 प्रश्न है, तो इसमें देखो चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, किस गैस की उपस्थिति के कारण होता है, यह बताना है कि चांदी के जो पात्र हैं उनका काला पड़ जाना वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। नंबर 1 ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है सामान्यतः शिक्षा प्रशासन एवं प्रबंधन के कार्य हैं। तो क्या कार्य हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियोजन, संगठन, कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति, उपयुक्त सभी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 62 प्रश्न, तो इसमें देखो राज्य को सामान्य शैक्षिक प्रशासन की दृष्टि से 9 मंडलों में बांटा गया है। कितने मंडलों में, 9 मंडलों में बांटा गया है शैक्षिक प्रशासन की दृष्टि से। इस मंडल का जो अधिकारी होता है वो कौन होता है, तो दोस्तों उप निर्देशक होता है माध्यमिक का। नंबर एक ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 63 प्रश्न है, तो देखो इसमें मासिक शिविरा पत्रिका का प्रधान संपादक होता है। मासिक शिविरा पत्रिका का जो प्रधान संपादक होता है वो कौन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्देशक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। ठीक है नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 64 प्रश्न, तो इसमें देखो सर्व शिक्षा अभियान की गतिविधियों में शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा। नंबर 4 ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है राजस्थान में क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान RIE किस स्थान पर है। तो दोस्तों कहाँ पर है, अजमेर में है दोस्तों ये RIE कहाँ पर है, अजमेर में। नेक्स्ट है नंबर 66 प्रश्न, तो इसमें देखो राजस्थान में सरकारी उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
वो है अजमेर एवं बीकानेर में, अजमेर एवं बीकानेर में। नेक्स्ट है राजस्थान स्काउट एवं गाइड्स की आयु होती है, स्काउट एवं गाइड्स की जो आयु होती है वो कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 से 17 वर्ष के बीच में। नंबर 3 ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 68 प्रश्न है, तैयार रहो किसका आदर्श वाक्य है, तो किसका आदर्श वाक्य है, तो दोस्तों स्काउट एंड गाइड्स का वाक्य है ये। नेक्स्ट है सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल सेना के किस रैंक के अधिकारी होते हैं, सैनिक स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो सेना के किस रैंक के अधिकारी होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल, नंबर 1 ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 70 नंबर प्रश्न, सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर ज्ञानोदय योजना का शुभारंभ कब किया गया, तो ज्ञानोदय योजना का जो शुभारंभ है वो कब किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2010 में किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है एड्यूसेट उपग्रह का प्रक्षेपण इसरो द्वारा किया गया, तो कब किया गया था ये, तो 20 सितंबर 2004 को किया गया था एड्यूसेट उपग्रह का प्रक्षेपण इसरो द्वारा। नंबर 72 प्रश्न है, तो इसमें देखो आरटीई की किस धारा के अनुसार किसी शिक्षक को 10 वर्षीय जनगणना, आपदा राहत कार्यों या स्थानीय पदाधिकारी या राज्य विधान मंडलों या संसद के निर्वाचनों से संबंधित कर्तव्य से भिन्न किसी गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए अभिनियोजित नहीं किया जाएगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 27 के अनुसार, नंबर 1 ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आरटीई के अनुसार 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष में कितने घंटे निश्चित हैं, तो कितने घंटे निश्चित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 घंटे, नंबर 1 ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है मूलतः तकनीकी शिक्षा को समर्पित दूरदर्शन प्रसारण सेवा है, मूलतः तकनीकी शिक्षा को समर्पित दूरदर्शन प्रसारण सेवा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान दर्शन सेकंड या एकलव्य चैनल, नंबर 2 ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 75 प्रश्न है, तो देखो KGBV यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में विद्यालय संचालन समिति का अध्यक्ष होता है, तो कौन होता है वो अध्यक्ष, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आर सी एफ होता है दोस्तों इसका संचालन समिति का अध्यक्ष। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अभी लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, दोस्तों सब जगह शेयर करें और आराध्या आर एस अकेडमी के दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।